मथुरा के नगर में अचानक बैंकों में पुलिस फोर्स पहुंचने से हड़कंप मच गया। बैंकों के अंदर पहुंची पुलिस ने अचानक बैंक के अंदर लोगों की तलाशी शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। दरअसल आपको बता दें कि यह चेकिंग बैंकों की सुरक्षा दृष्टि से एसएसपी के सानिध्य में यहां भ्रमण किया गया और बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को देखा गया। इस दौरान रैंडम चेकिंग में बैंक अथवा वित्तीय व्यवस्था को बारीकी से चेक किया गया। एसएसपी ने बैंक मैनेजर को सुरक्षा व्यवस्था में खामियां मिलने पर निर्देशित भी किया। किसी क्रम में मेरे द्वारा भी चेकिंग की जा रही है, खासतौर से जो मुख्य बिंदु में यहाँ पर भी करना गार्ड की क्या लोकेशन है, चैन लगी है कि नहीं लगी, सीसीटीवी का क्या स्टोरेज है, हमारा बैंक चेकिंग रजिस्टर वहाँ पर बना है कि नहीं, पुलिसकर्मी आके चेक कर रहे हैं कि नहीं, क्या उनको ब्रीफिंग है, आस पास में लोग खड़े हुए हैं, किस कारण से खड़े हुए हैं, अलार्म सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं, इसी संदर्भ में सबको निर्देशित भी किया गया। साथ साथ कैश में जो है उनकी भी चेकिंग के लिए निर्देशित बात रूप से अभियान के रूप में चलाया जा सकता है। तो ये बैंक सर कितनी बैंकों को अभी तक चेक कर चुके हैं? पूरे जिले के अंदर ये चेकिंग हो रही है, हर चौकी इंचार्ज, हर इंस्पेक्टर साहब ने सभी लोग चेक कर रहे हैं। अभी कोतवाली और गोविंद नगर के पास बाकी जगह भी चेक किया जाए। क्या किसी बैंक में कोई संदिग्ध व्यक्ति या कुछ ऐसा पाया? नहीं, अभी तक तो कोई संदिग्ध नहीं पाया गया, लेकिन हाँ जनरल रूप से हम लोग ये रिक्वेस्ट होती है बैंक से कि उनकी अलार्म सिस्टम है उसको प्रॉपर रखें, जो सीसीटीवी है उसका कितने दिन का है, उसका डबल स्टोरेज है कि नहीं, वहाँ पे गार्ड मौजूद है कि नहीं, गार्ड को क्या क्या ब्रीफिंग है, चेन लगी है कि नहीं, सीसीटीवी वर्किंग कंडीशन है कि नहीं, सीसीटीवी का फोकस किस जगह है, ये उनसे अपेक्षा रहती है। बाकी पुलिस जो अपनी चेकिंग करती है संदिग्ध वो जो है पुलिस की एक्टिवनेस के लिए उसको चेक।